और शुभ उनके लिए कुछ बोलना, मतलब ऊपर वाले के लिए कुछ बोलना है, दोनों साथ हैं श्री और शुभ। सर का आधा नाम, मेरा आखिरी नाम शुभ और श्री। नाम के साथ जो श्री और शुभ जुड़ा है दोनों के, वो कल्याणकारी है, किसी किसी के लिए कल्याणकारी होता है। और हमारा मानना है कि ये दो शब्द दोनों बच्चों के नाम के आगे जुड़े हुए हैं, तो कल्याण ही कल्याण होगा, शुभ ही शुभ होगा। मैं कभी सोची नहीं थी कि आज ऐसा कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहन के बारे में कुछ बोलूंगी। और तेरा जो एक बोलते हैं ना सादगी, शायद वो लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए लोग उससे बहुत कनेक्ट होते हैं। जीजू भी शायद उसी लिए कनेक्ट हुए हैं कि मेरी बहन है ही इतनी सुंदर। मैं फर्स्ट टाइम उनको देखी तो एकदम कोई मासूम सा बच्चा होता है ना जो बड़ा हो जाता, वैसे लगे वो। ज्येष्ठा पुत्री, बड़ी पुत्री, बड़ी बेटी, हमारी प्यारी सरोशा शुक्ला। सब हम लोग को बोलते तुम लोग बहुत अच्छे दिखते हो साथ में, लेकिन हम दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं ऐसे उतना लगता नहीं है, लेकिन फिर बात करते हैं यार सही बात है क्या, लगते हैं क्या, अच्छे लग रहे हैं। आपको कंट्रोल की कि नहीं यार, अभी अगर मैं रो वो दी तो इन लोग इमोशनल हो जाएंगे। हमेशा उसके लिए वैसे ही रहेगा, मैं ऐसा कभी सोचूंगी ही नहीं कि उसकी शादी हो गई, मैं जैसे पहले थी मैं उसके साथ वैसे ही रहूंगी। मैं तुझको बहुत प्यार करती हूँ, शायद ये मैं तेरे फेस पे कभी बोल नहीं पाती, बट तू भी जानती है मैं तेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। स्पीचलेस हूँ। बहुत इमोशनल फीलिंग है, मैं तो अभी तक ये फील नहीं कर पा रही हूँ कि बहन शादी कर रही है, मुझे लग रहा है हम बाल विवाह कर रहे हैं। तुम लोग थोड़ा दूर जाओ। हाँ तो मिलेगा। नहीं पता कहाँ है।